चल स्टार्ट हो जाएगा। क्रॉस आ रही है। जी के गल हुई है भूल से हम अपनी बेबी को दिखाने के लिए गए थे डॉक्टर के पास, सुशील शर्मा के पास। बेबी बीमार थी। हम वापस आ रहे थे वहाँ से, दो बाइक पे आए। उन्होंने हमारे पास से ना पर्स था और एक दवाइयों का लिफाफ। उन्होंने वो छीनने की कोशिश की हमसे, वो तो हाथ में आया नहीं, हमने देखा नहीं कि वो कौन थे। वो बस छीना चपटी में वो भाग गए वहाँ से। ये कितने लोग थे और किस पे आए? दो थे, बाइक पे आए थे, सिर्फ दो लड़के थे। कितने बजे का टाइम रहा होगा? कहीं 7:15 या 7:30 का। अच्छा, तो कोई पहचान आप कर सकते हो उनकी? नहीं, हम पहचान नहीं कर सकते क्योंकि अंधेरा था, हमने देखा नहीं उनको। मैं कहाँ पर हुआ ये सारा? ये सुशील शर्मा के बाइक के पास, जेके बैंक है ना। हाँ जी, वहाँ पे एटीएम के पास, HDFC बैंक पुलिस स्टेशन के पास। तो ये कौन सी साइड से आए थे? हम डॉक्टर को दिखा के आ रहे थे, सुशील को दिखाने गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। वहाँ पे हुआ, हम अपनी मंजिल से जा रहे थे, वो भी अपनी मंजिल से आ रहे थे। उन्होंने मतलब इतना डिस्टेंस था हमारे में, उन्होंने सीधे हाथ से इनका पर्स छीनने की कोशिश की। वो पर्स वो रोड के उस साइड गिर गया, तो उन्होंने पीछे टर्न कर लिया, वो तो आगे निकल गए वो बाइक वाले। तो मतलब इन्होंने चेन डाली थी, गोल्ड डाला था, सब कुछ, मतलब इन पे ज़्यादा अटैक इन पे हुआ है। मैं छोटा सा बेबी उठाया था तो ये ऐसे पीछे गिरे थोड़ा सा, इनमें ज़्यादा गोल्ड डाला था, ज़्यादा हमला इन पे हुआ है ज़्यादा। मतलब क्या लगता है आपको, क्या आपके पीछे से वो रैकी कर रहे थे, ध्यान में रखे थे कि आपने जोल ज्वेलरी वगैरह डाली हुई है? इतना हमने ध्यान भी नहीं दिया, हम डॉक्टर के पास थे। अच्छा, तो कोई ऐसे ध्यान में, हम अपने मजे से चल रहे थे, कोई वो नहीं था, कोई मतलब हमारे पीछे कोई फॉलो कर रहा है, कोई कुछ नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने वो भी अपने मजे से आ रहे थे, जैसे आम इंसान जाता है ऐसे उठाने का प्रयास किया। दूसरी साइड गिरा, क्योंकि हम मैं थोड़ा सा चिल्लाई ना, वो तो डर के मगर उन्होंने यहाँ से किया नहीं, पता नहीं ये डाला, गोल्ड भी डाला था, चेन, वो मेरे नेक वाला स्वेटर था शायद, वो हमला करने की कोशिश की, वो हुआ नहीं है। शायद बेबी उठाया था, हम पीछे हो गए ना थोड़ा से, तो पर्स उस साइड गिर गया इनका, तो कुछ पता ही नहीं चला, तो हम डर भी गए उसकी वजह से। हमने घर पे फोन किया तो ऐसी बात हुई, तो पुलिस में अब शिकायत की। हाँ, इन्होंने कंप्लेंट की, तो घर आके बताया इन्होंने कंप्लेंट। हम तो बस यही चाहते हैं कि वो पकड़े जाए, कि कल को लेडीज जब जाती है शाम को, इवनिंग वॉक के लिए जाती है, वहाँ पे हम जाए, हम तो अब जाते ही नहीं है, हम डर के मारे तो गए नहीं वहाँ से, या वहाँ आगे से कैसे जाएंगे हम वहाँ पे। लेकिन हम चाहते हैं कि पकड़े जाए, कि कल को जो लेडीज जाए बाहर, फिर चल देते जाए, उनको कोई डर ना हो।